कमतौल में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रघुनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में चीन के राष्ट्रपति के पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जाले विधायक जिवेश कुमार ने कहा कि जिस तरह का आक्रोश चीन के प्रति पूरे देश में देखने को मिल रहा है, इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्र का एक एक नौजवान अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर कतार भाव से देख रहा है कि 20 के बदले 200 हम लेकर रहेंगे। भाजपा युवा मोर्चा दरभंगा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि इस युद्ध में हमें भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, हम चाइना के सामान का बहिष्कार करें देंगे। अपने घर के अगल बगल में कम से कम 10 घरों में जो हमारे ही परिजन बसते हैं, हम अपने घर के अगर अगल बगल में देखेंगे तो 10-20 घरों तक हमारे ही परिवार के लोग रहते हैं। कम से कम उस 10-15-20 घरों का हम जिम्मेवारी लें कि वहां लोगों को समझाकर बुझाकर चीन में निर्मित सामग्री का प्रयोग हम अपने घर में नहीं करें तो हम समझते हैं अपने सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इस देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये दो बातों का संकेत हम लोग देना चाह रहे हैं और खासकर युवा साथी इस पर ध्यान दें। दो तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे हैं और दूसरी लड़ाई यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाइयों को लड़ना है। सभी के जेब में चाइना का मोबाइल रहता है। लड़ाई हमको वहां से शुरू करनी है कि आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना का कमर हम तभी तोड़ सकते हैं जब उनके उत्पादों का हम बहिष्कार करें। संकल्प लें इस जिनपिंग के आग के सामने।